हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीबे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 66 यानी कि 66 बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी 27 दिसंबर को, उसके कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ईबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे एससी या एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट हो। इस लेसन में हम सभी कैटेगरी के कट ऑफ देखने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीलिम्स की कितनी रह सकती है, ठीक है। 66 बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि 27 दिसंबर 2020 को हुई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न थी क्या हुआ था। उसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको साइंस से आए थे, 30 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, ठीक है, 35 to 45 क्वेश्चन फ्रॉम करेंट अफेयर्स, ठीक है, 28 to 30 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, 14 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी यानी कि 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आई थी, 18 क्वेश्चन फ्रॉम इशू रिलेटेड आया था, 10 क्वेश्चन मैथ से आई थी और 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से आई थी, ठीक है। तो ये जो आपका ये रहा कि किस कैटेगरी से कितने पार्ट से सब कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पॉलिटिक्स से 10 आए थे, मैथ से 10, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन मैं मोटा मोटी लेके जा रहा हूँ। उस पर 18 क्वेश्चन आपका इशू रिलेटेड, 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 28 to 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, 35 to 45 क्वेश्चन फ्रॉम करेंट अफेयर्स और 30 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस से, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न था कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी प्री 66 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 105 से लेकर के 107 नंबर जा सकती है, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट को 105 से 107 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो सोचिए आपका कट ऑफ क्लियर है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा बहुत ईजिली, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, 105 से 107 के बीच में आपका कट ऑफ नंबर आ रही है तो सोचिए जनरल कैटेगरी वाले 105 से 107 के बीच में अगर जो आपकी नंबर आ रही है तो सोचिए आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, अब मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी वाले, तो ओबीसी कैटेगरी के जिनके नंबर, जो भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके नंबर अगर 101 से लेकर 104 के बीच में आ रही है, यानी कि 101 से 104 नंबर के बीच में अगर जो आपके आ रहे हैं मार्क्स, तो सोच लीजिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी बहुत ईजिली, आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईबीएससी कैटेगरी के लिए, तो ईबीएससी कैटेगरी की बात करें तो 97 से 100 यानी कि 100 नंबर के बीच आपका आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रही है तो सोचिए आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगली है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उनका अगर जो 95 मार्क्स आ रहे हैं, एससी एसटी कैटेगरी का अगर जो 95 मार्क्स आ रहे हैं तो सोचिए आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है, अगर आपकी 95 मार्क्स आ रहे हैं तो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे कैटेगरी बचे हैं, वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उनको भी बताते हैं, उनका जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका अगर जो 97 to 99 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 97 to 99 मार्क्स आ रहे हैं तो सोचिए कि आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगा और आपकी प्री एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा और मेंस की आप तैयारी में आप लोग जुट जाइए, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ 66 बीपीएससी की, ठीक है, कि 66 बीपीएससी के क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या कट ऑफ रहेगी आपके सामने हम सभी बताएं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, ईबीएससी कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगी, एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईजीबे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की हम कोशिश किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं 66 बीपीएससी का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं अच्छी, तो ईजीबे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।